हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि एक हंसता खेलता परिवार ही उजड़ गया। आपदा ने परिवार को ऐसा घेरा कि ये परिवार न तो जान बचाकर भाग पाया, न ही किसी से मदद मांग पाया। परिवार में दादा दादी, माँ और दो बच्चे शामिल हैं। परिवार के मुखिया का शव मिल गया है, लेकिन बाकी चार सदस्य अभी भी लापता हैं। इनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब उपमंडल के सिरमौरी ताल के नज़दीक मालगी ओली में बुधवार रात बादल फटा है। सिरमौरी ताल में तीन घर बादल फटने से आई बाढ़ और मलबे के पानी में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। दो घरों के लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि एक परिवार के पांच सदस्य लापता थे। इनमें से एक का शव गुरुवार सुबह मिला है, बाकियों की तलाश जारी है। परिवार के पांच सदस्यों में कुलदीप सिंह उम्र 62, पुत्र संतराम, जीतो देवी उम्र 55, पत्नी कुलदीप सिंह, रजनी देवी उम्र 31, पत्नी विनोद कुमार, नितेश उम्र 10, पुत्र विनोद कुमार और दीपिका उम्र 8, पुत्री विनोद कुमार, निवासी सिरमौरी ताल तहसील पांवटा साहिब लापता हुए। इनमें से परिवार के मुखिया कुलदीप सिंह का शव मिला है। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने पूरी रात राहत व बचाव कार्य किया। मुगलवाला करतारपुर पंचायत के सिरमौरी ताल में 100 से अधिक लोगों को घरों से निकालकर रेस्क्यू किया गया। कुलदीप सिंह का घर भारी भरकम चट्टानों और मलबे के नीचे दब गया। उधर राजबन बाबा पत्थर नाथ मंदिर से लेकर सिरमौरी ताल तक की 3-4 किलोमीटर सड़क को बहाल करने में ही LNT मशीनों को पूरी रात मशक्कत करनी पड़ी। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और कीचड़ इतना भर गया था कि उसे साफ करना मुश्किल हो रहा था। बावजूद इसके NH पर कार्य कर रही कंपनी की मशीनों के चालकों ने रात भर सड़क बहाली का कार्य किया। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।